9 अगस्त 2021 के दिन बीएसई की ओर से एक सर्कुलर डिक्लेयर किया गया, जो सर्कुलर रिलेटिंग टू दी स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, जो स्टॉक्स अपर सर्किट टू अपर सर्किट काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। बेसिकली ये पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर बीएसई ने काफ़ी सारे अलग अलग मेजरमेंट भी इंट्रोड्यूस किया है। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं नया लेटेस्ट सर्कुलर की, कि काफ़ी अलग अलग काउंटर के अंदर मीडियम स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी बुरी तरह गिर रहा था। आज की डेट में हम बात करें बीएसई की ओर से जीएसएम, एएसएम, एएसएम लॉन्ग टर्म, एएसएम शॉर्ट टर्म, ट्रेड टू ट्रेड, काफ़ी सारे अलग अलग मेजरमेंट्स कंसल्टेशन विथ सेबी आज तक इंट्रोड्यूस किया गया है। बट अगेन ये 2018 के अंदर बीएसई ने एक रूल डिक्लेयर किया था विथ रिगार्ड टू द प्राइस बैंड ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स, कि कोई भी स्टॉक्स एक साल में इतना परसेंट ही इंक्रीज हो सकता है, उसकी मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली लिमिट डिसाइड किया हुआ था। बेसिकली ये पर्टिकुलर सर्कुलर कब अप्लाई होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और ये पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर क्या 2018 से अलग है, वो हम बात करने वाले हैं। बट उसके पहले जिन शेयर होल्डर के पास मीडियम स्मॉल कैप जो स्टॉक्स आज की डेट में पोर्टफोलियो के अंदर है और एक साल में 10 गुना या तो 6 मंथ के अंदर 5-6 गुना हो चुका है, उसके लिए पर्टिकुलर सर्कुलर बहुत बड़ा इम्पेक्ट होने वाला है। सो हम बात करें सर्कुलर के रिगार्डिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रेमवर्क शैल बी एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटीज शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज बिलोज। सो बेसिकली ये सर्कुलर वही स्टॉक्स को अप्लाई होने जा रहा है जो ये पर्टिकुलर पहला क्राइटेरिया है कि रेफरेंस या रेफरेंस प्राइस एक्स, यानी हम 100 रुपीज लेके चलते हैं और प्राइस मूवमेंट इन द पास्ट पीरियड दैट इज डिक्लेयर्ड कैलेंडर। तो बीएसई की हम कैलेंडर की बात करें तो 1 अक्टूबर से 31 सितंबर का कैलेंडर उसका रहता है। उस पर्टिकुलर कैलेंडर के अंदर लास्ट 6 महीने के अंदर स्टॉक्स का प्राइस 6x टाइम्स यानी 600% इंक्रीज हो चुका है। साल में 1200%, ईयर में 2000%, 3 साल के अंदर 30x। सो पर्टिकुलर जो भी शॉर्ट लिस्टेड शेयर से ये 4 कंडीशन के अंदर आने वाले टाइम के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को ही ये रूल अप्लाई होने जाता है। 2018 में सेम कैलेंडर आया था, सेम सर्कुलर आया था, बट वो टाइम पे थोड़ा चेंजेस था। ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट का अभी बीएसई बात कर रहा है वो क्लैरिटी वो टाइम पे नहीं थी। अब हम बात करें आगे की, तो अंडर द अफोरसेड फ्रेमवर्क द शॉर्टेड सिक्योरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू एडिशनल पीरियोडिक प्राइस लिमिट्स, वीकली, मंथली, क्वार्टरली प्राइस लिमिट्स। सो बेसिकली यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ बात करें कि कोई भी स्टॉक्स 20% की प्राइस बैंड पे है और उसका रेट अभी समझो एक्स चल रहा है, तो वो वीक के अंदर 60% इंक्रीज हो सकता है, 40% डाउन हो सकता है। सेम वे मंथ के अंदर डबल हो सकता है, क्वार्टर के अंदर 3x हो सकता है। 10% की प्राइस बैंड के हिसाब से 1.3x यानी 30% इंक्रीज हो सकता है, मंथ में 60% और ईयर में यानी क्वार्टर में डबल हो सकता है। सो बेसिकली ये स्लैब वाइज यहाँ लिमिट दी गई है, डिपेंड ऑन दी स्लैब ऑफ योर करंट स्टॉक्स ये स्टॉक्स अभी इंक्रीज हो सकता है। अब हम बात करें कि ये जो पर्टिकुलर रूल है उसमें आपको रेफरेंस प्राइस क्या लेना है, तो यहां देख सकते हो वीकली का क्लोज प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक, यानी फ्राइडे का क्लोज हम बोल सकते हैं। मंथ में आप देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, एंड क्वार्टर में क्लोज प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ प्रीसीडिंग कैलेंडर। अब बात करें कि क्लोज प्राइस कौन सा लेने वाले हैं, तो ये जुलाई 30 से अप्लाई करने वाले हैं, यानी बेस जो प्राइस लिया जाएगा वो जुलाई 30 का है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कोई एक स्टॉक से 10% की अभी उसकी प्राइस बैंड है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर बीएसई का ये रूल अप्लाई हो जाता है, तो क्या मूवमेंट आ सकती है। अभी समझो 30 जुलाई के दिन उसका रेट 100 रुपीज चल रहा है, सो ये पर्टिकुलर वीक के अंदर यानी अगस्त का पहला वीक है वो 130% इंक्रीज हो सकता है, डाउन हो जा सकता है 0.75 यानी 25 रुपीज। अब मंथली की हम बात करें तो 160 यानी 60 रुपीज इंक्रीज हो सकता है पूरे अगस्त मंथ के अंदर, डाउन जा सकता है 40 रुपीज, और क्वार्टर की हम बात करें तो 200 रुपये इंक्रीज हो सकता है और डाउन जा सकता है 50 रुपीज।
सो बेसिकली यहाँ 75 आएगा, यहाँ 60 आएगा और यहाँ 50 आएगा। अब हम बात करें रिव्यू की, तो ये पर्टिकुलर एक बार ये शेयर जो फ्रेमवर्क के अंदर चला जाएगा तो उसका रिव्यू 90 डेज के बाद होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि मिनिमम पीरियड ऑफ 90 डेज सेल बी एलिजिबल टू मूव आउट इफ डजंट क्वालिफाइड ऑफ द प्रोविजन ऑफ द अबव फ्रेमवर्क। सो 3 महीने के लिए उसको ए पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर रखा जाएगा। अब मेन पॉइंट की बात करें कि प्रोविजन ऑफ द सर्कुलर सेल केम इफेक्ट फ्रॉम द ऑगस्ट 23, आज हुआ है 11 अगस्त, आने वाले 12 डेज के बाद ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट होने वाला है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि 2018 में भी सेम प्रॉब्लम आया था, वो टाइम पे काफ़ी सारे स्टॉक्स थे वो वीकली मंथली और क्वार्टरली लिमिट में आ गए हो आ जाते और उसके बाद वो इंक्रीज होना बंद हो जाता क्योंकि उसकी अपर कैप स्टॉक यानी पैक किया जाती थी। अब इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर यहाँ आप जो देख रहे हो 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का क्राइटेरिया वो उसको एप्लीकेबल होगा, तब भी कोई भी स्टॉक से 1 साल के अंदर समझो 10 गुना हो गया है तो ये पर्टिकुलर शेयर ये पर्टिकुलर सर्कुलर की रडार में आ सकता है। बट समझो कोई एक स्टॉक से जो इतना मूव नहीं किया है, 2-3 गुना ही हुआ 1 साल में, तो उसके लिए यह सर्कुलर अप्लाई होगा कि नहीं ये हमको एग्जैक्टली पता चलेगा 23 अगस्त के दिन। अब हम बात करें कि बीइंग अ जेन्युइन शेयर होल्डर हमारे लिए यह सर्कुलर अच्छा है कि नहीं। काफ़ी सारे बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑन फ्यूचर फोरकास्टिंग प्राइस पे काफ़ी मूव कर देता है, सो बीइंग अ जेन्युइन शेयर होल्डर हमको मौका नहीं मिलता है कि स्टॉक्स को हम एक्यूमेट करें कोई एक प्राइस पे। अब होगा क्या कि कोई अच्छा स्टॉक से अच्छा रिजल्ट आया है, एक मूव आ जाने के बाद ये जो अपर साइड है उसकी पैक हो जाएगी। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा न्यूज हम बोल सकते हैं क्योंकि उसको मिलेगा मौका टू एक्युमुलेट द स्टॉक्स। अब बात करें कि काफ़ी बार कहीं सारे स्टॉक जो अपर सर्किट टू अपर सर्किट चला जाता था उसके लिए ये पर्टिकुलर जो शेयर्स का सर्कुलर है वो इफेक्ट करने वाला है। अब ये पर्टिकुलर सर्कुलर से कौन सी कैटेगरी के शेयर अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, जो शेयर एनएससी में लिस्टेड है उसके लिए सर्कुलर अप्लाइड नहीं होने वाला है, जो शेयर बीएससी एसएमई में है एनएससी एसएमई में है उसको भी ये सर्कुलर से कुछ लेना देना नहीं है। सो सिंपली ये सर्कुलर बीएससी के ओनली लिस्टेड शेयर के लिए है, जो शेयर 6 मंथ के अंदर 6 गुना हो गया है, 1 महीने के अंदर 12 गुना हो गया है उसके लिए ही अप्लाई होने जा रहा है। बट बेसिकली बीएससी आगे जाके क्या अनाउंस करती है उसका किसी को कोई पता नहीं है। सो बेसिकली हमको ये पूरा पता चलेगा अगस्त 23 के टाइम पे, तब हम अगेन रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। हैव ए नाइस डे। गुड लक।